तो आज की हमारी जो क्लास है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताना जरा, टॉपिक का नाम क्या है? फटाफट फास्ट कौन बताएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यस यस यस, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, BDS। ओके, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, इट्स BDS। ओके, तो BDS जो है, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट है, उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसमें एक बेंजीन है, एक डायजोनियम ग्रुप है, एंड 2+ डायजोनियम ग्रुप। डाइएजो क्यों? क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन एटम है। IUM क्यों लगा है? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये सोल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है और एक एक कैटायन है, एक एनायन है जो आपको दिख रहा है। एक तो बेंजीन डायजोनियम कैटायन है और एक हेलाइड है, आप X- वो क्या है यहाँ पर? एनायन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ? ये हुआ बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। ओके, तो अब एक चीज देखो, ये बात तो क्लियर है कि ये बेंजीन डायजोनियम सोल्ट है। ठीक है, अब इस सोल्ट में कैटायन तो हमारा फिक्स है ना, ये वाला कैटायन तो फिक्स है। देखो, ठीक है, कैटायन कौन सा फिक्स है? यहां पर मैं मार्किंग करता हूं, ये देखो, ये कैटायन फिक्स है ना। ठीक है, तो फिर चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है एनायन। ठीक है, और एनायन कैसे चेंज होगा? एनायन कौन कौन से चेंज हो सकते हैं वो आपके सामने है ना, और ये है। ओके, एनायन देखो कौन कौन से हैं। एनायन आपके सामने है, एक तो Cl-, Br-, Bf4-, HSO4-, ठीक है, और I- एटसेट्रा। ये इतने सारे एनायन हैं, ये एनायन चेंज हो सकते हैं। जैसे जैसे एनायन चेंज होंगे उस सोल्ट का नाम चेंज हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे सोडियम के साथ क्लोराइड लगा देते हैं तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड लगाते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड, ये वैसे ही है ना। तो मोस्ट कॉमनली जिसकी रिएक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वो ये है जिसमें हेलाइड हमारा क्या है? Cl-, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये भी एक ये सारे के सारे बेंजीन डायजोनियम जो सोल्ट हैं उसके अलग अलग फॉर्म्स है ना। HSO4 है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यदि पैरा पोजिशन पे टोलुइन है तो ये हो गया पैरा टोलुइन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से यदि फ्लोरो बोरेट है Bf4-, है ना, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जगह में क्लोराइड की जगह हम लोग फ्लोरो बोरेट लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर का बहुत सिंपल सा यहाँ पर रूल है, एनायन जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे नाम हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है तो ओ क्लोरो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे और मेटा पोजीशन पे OH है तो एम हाइड्रोक्सी बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड। ओके, तो इस तरह से ये काफी सिंपल है नोमेनक्लेचर करना। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि बेंजीन डायजोनियम सोल्ट का मीनिंग क्या होता है, उसमें कैटायन होता है, एनायन होता है ना, बेंजीन रिंग होती है, डायजोनियम ग्रुप होता है, N2+। ओके, अब इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। ओके, अब डायजोटाइजेशन में होता क्या है? देखो, डायजोटाइजेशन में एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2HCl से। अब ये जो NaNO2HCl है, ठीक है, ये क्या करते हैं? पहले रिएक्शन करके HNO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड बनाते हैं, वो नाइट्रस एसिड फिर एनिलीन से रिएक्शन करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पर 273 से 278 के लो टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग मेंटेन करते हैं। ये इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन की खास बात है। ठीक है, तो एनिलीन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? बेंजीन डायजोनियम सोल्ट में। इस रिएक्शन को बोलते हैं डायजोटाइजेशन। ओके, ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया। अब उसके बाद में है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये भी हम लोगों ने कल बात की थी कि एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट है, यानी कि एलिफेटिक एमीन्स के डायजोनियम सोल्ट, दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल एंड रेडिली डिकम्पोजेस टू एल्कोहल एंड N2। ठीक है, ये देखो एलिफेटिक एमीन, HNO2 से हमने रिएक्शन करवाई, ये इसका एलिफेटिक एमीन का डायजोनियम सोल्ट, ये अनस्टेबल है, तुरंत H2O की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर के एल्कोहल और नाइट्रोजन HCl ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इवोल्व हो जाती है और एल्कोहल हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये यहां पर है। यदि यहां पर एल्कोहल नहीं होगा
सॉरी वॉटर नहीं होगा तो भी ये डिकम्पोज होगा, तब ये डिकम्पोज होकर के क्या बनाएगा, कैटायन प्लस में एन टू प्लस में, ठीक है, कैटायन बनाएगा और प्लस में एन टू बनाएगा, है ना, तो और प्लस में बनाएगा सी एल माइनस, यानी कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये अनस्टेबल है। इसके कंपेरिजन हम लोग किससे कर सकते हैं, एरोमेटिक एमीन्स के जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं उनसे कर सकते हैं, और वो जो एरोमेटिक एमीन्स के डाइजोनियम सोल्ट हैं, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक एमीन्स के डाइजोनियम सोल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब स्टेबल ये भी बहुत ज्यादा नहीं होते, इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेबिलिटी, सबसे पहली बात तो हम कंपैरिजन कर चुके हैं कि एरोमेटिक एमीन्स के डायजोनियम सोल्ट स्टेबल क्यों होते हैं, क्यों होते हैं भाई बताओ, इसकी बात हम लोगों ने कल की थी, बताओ फटाफट क्यों होते हैं एलिफेटिक एमीन्स के कंपैरिजन में, रेजोनेंस की वजह से, इनके डायजोनियम सोल्ट में रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस से होता क्या है, रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल हो जाता है, ये देखो रेजोनेंस क्रिएट्स द डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल हो जाएगा तो वो जो कैटायन है वो स्टेबल हो जाएगा, तो फाइनली ये जो बेंजीन डायजोनियम कैटायन है ना, तो ये स्टेबिलाइज कब होगा, जब इसके पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल होगा, तो यहां पर रेजोनेंस ने इसके पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल कर दिया, जिससे ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसी रेजोनेंस की फैसिलिटी एलिफेटिक एमीन्स के डायजोनियम सोल्ट में नहीं होती है, नहीं होती है। ये जो एलिफेटिक एमीन्स के डायजोनियम सोल्ट हैं, इनमें रेजोनेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल, अनस्टेबल, ओके। तो ये हुई एक बात, है ना, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। अब ये आ गया, देखो ये भी कोई जो एरोमेटिक एमीन्स के जो बेंजीन डायजोनियम सोल्ट होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, है ना, दे आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये बहुत छोटे टाइम के लिए स्टेबल होते हैं इन, और वो भी केवल सॉल्यूशन में, ठीक है ना, और वो भी केवल लो टेम्परेचर पे, ये देखो भाई, है ना, बहुत छोटे टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं हम इनको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, जैसे बाकी जनरली कॉमन सोल्ट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं ना, वैसे इनको स्टोर नहीं कर सकते, टेम्परेचर बहुत मेंटेन लो रखना पड़ता है, वो भी सोल्यूशन में ये बहुत थोड़ी देर के लिए स्टेबल होते हैं, है ना, इनकी इनकी स्टेबिलिटी भी कोई खास नहीं होती, ठीक है। तो ये देखो, और इनकी जो जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम है ना, इसी की वजह से इनको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, और इनको जैसे ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं तुरंत यूज लेना पड़ता है ना, यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी कि ये बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होते हैं ये भी, है ना, और तुरंत ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं यदि टेम्परेचर को हम लोग 278 के से ज्यादा रखें तो। डिकम्पोज किसमें हो जाएंगे, फिनोल में, फिनोल में ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि एरोमेटिक एमीन्स के डायजोनियम सोल्ट रेजोनेंस की वजह से एलिफेटिक एमीन्स के डायजोनियम सोल्ट से ज्यादा स्टेबल होते हैं, नंबर वन, और स्टेबल भी ये केवल शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और केवल सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है। देखो तीन चीजें नोट करो आप लोग, यहाँ पर शॉर्ट टाइम है, सॉल्यूशन में है, और लो टेम्परेचर रेंज है ना, तो ये कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको वी शुड यूज इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। यदि हम लोग इनका टेम्परेचर 278 के से ज्यादा मेंटेन करेंगे डायजोटाइजेशन रिएक्शन में तो क्या होगा, तो वो फिनोल में हमें जो फाइनली प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें फिनोल मिलेगा। ये देखो सेम रिएक्शन है, एनिलीन, एनिलीन और HNO2 की जो रिएक्शन है ना, इसमें यदि टेम्परेचर लो रखेंगे तब तो मिलता है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट, और यदि टेम्परेचर मोर देन 278 के लेंगे तब हमें मिलेगा क्या, फिनोल, तब हमें फिनोल मिलेगा, ओके। तो ये था इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली कलरलेस होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ओके। और तो इस तरह से अब हम लोग करने जा रहे हैं इनके केमिकल रिएक्शंस,